हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न राइट नाउ चैनल। इस चैनल पे आपको मिल जाते हैं क्लास 9 टू 10th के साइंस के सारे लेसन और उनके वीडियोस, उनके नोट्स। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के एक टाइप की, जिसका नाम है बोन, हड्डी, आपकी हड्डियाँ, ठीक है। इसके पहले हमने कनेक्टिव टिश्यू के एक और टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम है ब्लड। अगर आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है, जो कि एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है, तो आप इस लिंक पे जाके देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बोन की, तो चलिए बोन की बात करेंगे, और हम बोन के साथ साथ कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट की भी बात करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद बच जाएगा आपका सिर्फ एरियोलर और एडिपोज टिश्यू, तो उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं बोन क्या होता है, ठीक है। इफ एनीबॉडी आस्क्स यू कि बोन क्या है, व्हाट इज बोन, यू कैन सिंपली से बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। बोन जो है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, फाइन। अब देखो, कनेक्टिव टिश्यू के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है, अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा कनेक्टिव टिश्यू का, तो इस लिंक पर जाकर देख सकते हो। वहाँ मैंने आपको बताया है कि कनेक्टिव टिश्यू का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कि एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एक मैट्रिक्स होता है, और उस मैट्रिक्स में ही सेल जो है वो सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। और उन सेल के बीच में जो दूरियां होती है, इंट्रा सेलुलर स्पेस जो होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। मैंने आपको गुलाब जामुन का एग्जांपल दिया था, कि आप सपोज़ करो कि एक कंटेनर में गुलाब जामुन है, और उसमें जो शुगर सिरप होता है, वो आप समझ लो कि मैट्रिक्स है उसका, ठीक है। और उस शुगर सिरप में जो गुलाब जामुन डाले हुए हैं, समझ लो कि वो एक आपका सेल्स है अलग अलग, और उन सेल के बीच में डिस्टेंसेस हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टाइटली पैक्ड है, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक होता है, और बोन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बोन में भी आपका एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स में सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, कि ये क्या करता है, हड्डी का काम क्या है आपके शरीर में, आपके शरीर को ये शेप देता है, फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, फॉर्म्स फ्रेमवर्क, ठीक है, दैट सपोर्ट्स द बॉडी, ठीक है, बॉडी को सपोर्ट करता है ये फ्रेमवर्क जो है आपका, समझ गए। ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द ऑर्गन, ठीक है। अब देखो, ये फ्रेमवर्क तो देता ही है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या, जैसे आपका शरीर का जो दिखने में जैसा लगता है आपका शरीर, ठीक है, जो शेप है, हाथ पैर का अलग शेप है, आपके शरीर का एक शेप है पूरा का पूरा, जैसा आप दिखते हैं, तो वैसा क्यों दिखते हैं, क्योंकि हड्डियां हैं आपके शरीर में। अगर हड्डी ना हो तो फिर वो शेप नहीं बन पाएगा आपका, ठीक है। तो फ्रेमवर्क वो हो गया, और मसल को ये पकड़ के रखता है। मसल जो आपके हैं वो हड्डी में ही अटैच्ड होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं हड्डियों से, ठीक है, और सपोर्ट करता है मेन ऑर्गन्स को। तो मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट कैसे करता है भाई, तो आपके जो लंग्स हैं, लंग्स के चारों तरफ रिब्स होते हैं, हड्डी का ही एक टाइप है रिब्स, और जो आपका ट्रैकिया होता है, विंड पाइप, जो कि लंग से जुड़ा होता है, वहाँ भी कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो वहाँ तो हम कार्टिलेज की बात करेंगे अलग से, लेकिन ये जो रिब्स हैं, बोन के जो रिब्स होते हैं, वो लंग्स को चारों तरफ से घेरे रखते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। मैं अगर उसका डायग्राम बना कर दिखा दूँ आपको, कुछ इस तरीके से होगा, ये आपका एक लंग हो गया, और आप देखो कि इस लंग को क्या करता है, आपके जो रिब्स हैं, देखो ये भी एक हड्डी ही है, चारों तरफ से ये रिब्स जो है ना, आपके लंग्स को घेरे हुए रहता है, समझ गए आप। तो इस तरह से हड्डियां क्या करती हैं, एंकर्स मसल सपोर्ट्स मेन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। चलो, बोन्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये बोन जो है स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। हड्डी जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, और यही कारण है कि कई बार हम गिर जाते हैं या फिर चोट लगती है तो हड्डियाँ टूट जाती हैं, फिर हमें प्लास्टर
करवाना पड़ता है और इंतज़ार करना पड़ता है कि कुछ दिन बाद जो है वो हड्डियाँ वापस सही डायरेक्शन में आ जाएंगी। ठीक है, तो हड्डी जो है वो स्ट्रांग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है। फाइन, अब बोन सेल, बोन के जो सेल्स होते हैं वो किस चीज़ में एम्बेडेड होते हैं? एक हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया, इस वीडियो के शुरू में मैं बता चुका हूँ आपको कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कि एक मैट्रिक्स होता है और उसी मैट्रिक्स में बहुत सारे सेल्स जो हैं सस्पेंडेड होते हैं और उन सेल्स के बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी एक मैट्रिक्स होती है और ये मैट्रिक्स जो होती है वो किस चीज़ में बनी होती है? मैंने कनेक्टिव टिश्यू के जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसमें मैंने बताया है आपको कि ये मैट्रिक्स होगी वो डिपेंड करेगी कि किस टाइप की है, ये बात डिपेंड करेगा कि वो टिशू किस टाइप का है और टिशू का फंक्शन क्या है। अलग अलग टिशू में ये मैट्रिक्स जो है वो अलग अलग टाइप की होगी कनेक्टिव टिशू में ही। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आपके बोन का है ये किस चीज़ का बना होता है? कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। ठीक है, ये डायग्राम आप बनाना मत एग्ज़ाम में, ये समझाने के लिए बस मैंने बनाया था। अभी मैं जो डायग्राम बनाने वाला हूँ बोन का वो आप बना सकते हो। ठीक है, देखो तो आपके जो मैट्रिक्स है बोन की वो किस चीज़ से बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से बनी होती है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हर एक कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग टाइप की होती है। ब्लड में आपका ये मैट्रिक्स क्या है? प्लाज्मा है, यहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फोरस है, समझ गए? चलो अब मैं एक डायग्राम आपका बना देता हूँ बोन का। फाइन, देखो बोन का अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो, एक इजी डायग्राम। ये आपका डायग्राम हो गया बोन का। ठीक है, आप इस तरीके से बहुत ही इजी वे में एक बोन का डायग्राम आप बना दे सकते हो एग्ज़ाम में, इट्स वेरी इजी। फाइन, ये फिगर है आपके बोन का। फाइन, तो बोन के बारे में हम पढ़ चुके हैं बहुत ही आसानी से, अब हम पढ़ने वाले हैं कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट्स के बारे में। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे लिगामेंट की। ठीक है, चलो लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, लिगामेंट की जब भी बात आए तो आपके माइंड में क्या आनी चाहिए? कनेक्ट्स बोन टू बोन, समझ गया आप? देखो ये बात आप याद रखना, लिगामेंट की जब भी बात आए तो बोन टू बोन याद रखो, ये हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करती है, समझ गए? ये क्या होती है? इलास्टिक होती है, इसमें स्ट्रेंथ होता है, हैज स्ट्रेंथ। ठीक है, और इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, वी कैन से हियर कॉन्टेंट्स वेरी वेरी लिटिल मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिगामेंट जो है
देखो ये लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज, ये दो चीज़ों को कनेक्ट करने का काम होता है इनका, ठीक है। तो लिगामेंट किसको कनेक्ट करेगा? बोन को बोन से कनेक्ट करेगा। अब देखो टेंडन के बारे में हम देखते हैं, तो टेंडन किसको कनेक्ट करता है? मसल को बोन से कनेक्ट करता है। मसल टू बोन, फाइन। लिगामेंट को हमने देखा बोन से बोन को कनेक्ट किया इसने, और अब हम टेंडन को देख रहे हैं, इसने क्या किया? मसल को बोन से कनेक्ट किया, ठीक है। इसकी बाकी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये जो है आपका फाइबरस होता है, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। ये आपका इलास्टिक था लिगामेंट, जिसने कि बोन से बोन को कनेक्ट किया। टेंडन जो है वो मसल से बोन को कनेक्ट किया इसने। फाइबरस है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम इसमें है, ठीक है। समझ गए आप बात को? चलो अब हम बात करेंगे कार्टिलेज की। कार्टिलेज, ओके। देखो कार्टिलेज क्या करता है, ये किसी किससे किसको कनेक्ट करेगा? ये कनेक्ट किसी को किसी से नहीं करेगा। ये क्या करता है? स्मूथ करता है बोन के सरफेस को, जॉइंट में, समझ गए। स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स, ठीक है। ये जो है वो जॉइंट पे होता है, आपके जो आर्म का जो जॉइंट है वहाँ पे होगा, आपके जो पैरों के जॉइंट है वहाँ पे होगा, नी, घुटना, घुटना पे होगा, ठीक है। तो ये उन जगहों पे आ जाता है जहाँ पे जॉइंट होता है, और क्या करता है कि बोन का जो सरफेस है उसको स्मूथ करता है, ठीक है। आपने सुना होगा ओल्ड एजेस में लोगों को गठिया की शिकायत हो जाती है। गठिया क्या होता है कि लोगों की जो नी होती है, घुटने जो होते हैं वो दर्द होने लगते हैं, उठने बैठना मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग तो उठ भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, ठीक है, बैठ भी नहीं पाते बहुत लोग। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो घुटने में हो जाती हैं, वो किसके वजह से होता है? तो उनके जो कार्टिलेज हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। और ये कार्टिलेज काम क्या करता है? तो स्मूथ करता है बोन को। तो चूंकि कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ गया, कार्टिलेज वहाँ पे कम हो गई, तो बोन जो है वो स्मूथ नहीं रह जाते। तो बोन में क्या होता है, बोन जब आपस में मुड़ते हैं तो उनमें फ्रिक्शन होने लगता है। जैसे मान लो ये जॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे बोन के ऊपर कार्टिलेज होगा और एक बोन यहाँ पे होगा, तो मूवमेंट कैसे होती है घुटने की? ऐसे होती है, ठीक है। तो अगर ये कार्टिलेज यहाँ पे, इस दोनों के बीच का जो कार्टिलेज है जो कि स्मूथ कर रहा है, वो अगर ख़त्म हो जाए तो ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने लगेगा ना, और फ्रिक्शन होगा तो प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ऐसा ही आप याद रखना कि यही प्रॉब्लम है गठिया की, जो कि होता है कार्टिलेज की वजह से। समझ गया बात को? स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स। चलो इसकी हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये क्या हो और इसमें क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ होता है। ईओ में होता है, नोज में होता है, ठीक है, ट्रैकिया और लैरिंग्स, ठीक है। ये ट्रैकिया में कैसे होता है भाई? तो ट्रैकिया में, ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ये मैं इमेज बना रहा हूँ, आप इसको एग्ज़ाम में नहीं बनाना, ठीक है। ये ट्रैकिया है आपका, अलग अलग डिवाइड हो जाता है, फिर ये आपका एक अलग लंग और ये आपका एक अलग लंग, ठीक है। और इसी में आपका ये जो विंड पाइप आया आपके नाक से होते हुए, ठीक है, उसमें ये जो है कार्टिलेज इस तरीके से छल्ले के रूप में होता है। ये क्या करता है, इस पाइप को ये टूटे फूटे ना उससे बचाता है, दबे नहीं उससे बचाता है, ठीक है। ये जो कार्टिलेज है रिंग के रूप में होता है ये आपके ट्रैकिया के चारों ओर, समझ गए, ठीक है, फाइन। अब देखो ये जो कार्टिलेज है वो वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो सॉलिड होती है, और उसमें क्या होता है, प्रोटीन और शुगर होता है, ठीक है।
ठीक है, सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। इसकी जो सॉलिड मैट्रिक्स है वो प्रोटीन और शुगर से बनी होती है। हर एक कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है, इसमें भी मैट्रिक्स है और वो प्रोटीन और शुगर से बनी हुई है। हड्डी में जो बोन में आपकी जो थी मैट्रिक्स, वो किस चीज़ से बनी हुई थी, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी हुई थी। ब्लड में जो मैट्रिक्स थी आपकी किस चीज़ से बनी हुई थी, प्लाज्मा से बनी हुई थी। तो याद रखना दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता ही है और वो उसी मैट्रिक्स में सेल्स आपके सस्पेंडेड होते हैं, सेल्स के बीच में इंट्रा सेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है। फाइन, समझ गए आप। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली लिगामेंट, टेंडम, कार्टिलेज के बारे में, और बोन के बारे में भी हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, कार्टिलेज की जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ बना करके, ठीक है। देखो, कार्टिलेज की डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। ये अगर कार्टिलेज है तो उसमें आपके मैट्रिक्स हैं, ओके, और मैट्रिक्स के बाद फिर आपके सेल्स भी हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ये है आपका मैट्रिक्स जिन्हें हम कह सकते हैं हियालाइन मैट्रिक्स। ठीक है, हियालाइन मैट्रिक्स, और ये जो आपका है उसे हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, और ये किस चीज का फिगर है हमारा, कार्टिलेज। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने पढ़ लिया लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज और बोन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट रह जाता है तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में जान पाओगे। आपका सारा का सारा मैं चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ इस चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।